डिग्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत वेल रिकग्नाइज्ड और वेल नोन होती है, बल्कि ग्लोबली भी उनका उतना ही स्कोप होता है और उतनी ही वो वेल रिकग्नाइज्ड और डिमांडेड डिग्रीज़ होती हैं। MBBS जो है वो उनमें से एक है। अगर आप लोग MBBS करते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का फ्यूचर जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा। MBBS इज़ वन ऑफ द क्रेडिबल एंड फ्रूटफुल डिग्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप लोग बैचलर्स इन मेडिसिन करते हैं या बैचलर्स इन सर्जरी करते हैं तो आप लोगों की मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत डिमांड है बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आला तालीम हासिल करना हर स्टूडेंट का फ़र्ज़ है। सबका दिल करता है कि वो किसी अच्छी और वेल नोन जगह से ही डिग्रीज़ हासिल करें, और ज़्यादातर लोग प्लान करते हैं अब्रॉड में जाके अपनी डिग्रीज़ को लेने में। तो आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अब्रॉड में जाके डिग्रीज़ को हासिल करने में, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। पाकिस्तान में हर साल 20 से 30 हज़ार बच्चा जो है वो MBBS की तैयारी करता है और उसके लिए अप्लाई करता है, मगर अनफॉर्चुनेटली हर किसी का एडमिशन जो है वहाँ नहीं हो पाता। गवर्नमेंट में जो है वो सीट्स बहुत लिमिटेड होती है। गवर्नमेंट्स के अगर किसी भी इदारे में देखा जाए तो पाकिस्तान में 200 बच्चे की ही सिलेक्शन होती है, और बच्चों की तादाद जो होती है वो 20 हज़ार होती है, जो कि सारे ही अच्छे और लायक बच्चे होते हैं और वो अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं कर पाते। अगर आप लोग सोचें तो आप लोग फिर उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ अपना रुख करते हैं, जहाँ पे लाखों रुपए आप लोगों को कॉस्ट करते हैं वो लोग, और एक ह्यूज अमाउंट के साथ जो है आप लोगों को ये डिग्री करनी पड़ती है। तो आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अगर प्राइवेट में ही आप लोगों ने अपनी डिग्री को आगे प्रस्यू करना है तो बेहतर है कि आप लोग अब्रॉड कंट्रीज़ में जाके अपनी डिग्रीज़ को कंटिन्यू करें। से होगा क्या मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले, अगर आप लोग MBBS को अब्रॉड जाके करने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों की अफोर्डेबिलिटी होगी ज़्यादा अच्छी, आप लोगों को अफोर्डेबिलिटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट मिलेगा, मतलब हर स्टूडेंट जो होगा वो डिफरेंट कल्चर रखता होगा वहाँ, और मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में आप लोग पढ़ेंगे और उनसे भी कुछ सीखेंगे और उनको कुछ सिखाएंगे भी। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप लोग बाहर की कंट्री में जाके जो है अपनी डिग्री को कंटिन्यू करते हैं और प्रस्यू करते हैं। उसके अलावा आप लोगों को स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेहतरीन मिलेंगी, बेटर ऑप्शन मिलेगी करियर की भी और जॉब्स की भी। अगर आप लोग वहाँ से अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग फिर प्रैक्टिसिंग वहाँ कर सकते हैं, और प्रैक्टिसिंग के बाद आप लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी वहाँ से मिल सकती हैं। उसके अलावा एंट्री टेस्ट की कोई तैयारी नहीं होगी, कोई मुश्किल आप लोगों को एंट्री टेस्ट की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, जॉब क्वालिटी भी आप लोगों को ज़्यादा अच्छी मिलेगी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वन ऑफ देम, कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है आप लोगों को बहुत बेहतरीन मिलेगी। यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वो मिले या ना मिले, मगर आप लोग अगर स्टडी अब्रॉड करते हैं और बाहर के मुल्क से जाके अपनी डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को फ़ायदा दे सकती हैं। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही करना चाहते हैं तो बेहतर है आप स्टडी अब्रॉड करें, स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी अवेल करें, मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट की करें, क्वालिटी की करें और बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की करें। साथ ही साथ आप लोगों को अफोर्डेबिलिटी भी मिलेगी ज़्यादा अच्छी, तो बेहतर है आप लोग उस तरफ ज़्यादा अच्छी तरीके से जाएँ। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आप लोग अपने MBBS डिग्री करने के बाद क्या कर सकते हैं। आप लोग आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स व्हाट ऑप्शंस यू विल हैव, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इसके बाद आप लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने होम टाउन से या फिर जहां आप लोग डिग्री हासिल कर रहे हैं वहां से, जो कि बेहतरीन बात है। क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग अवेल कर सकते हैं कि आप लोग उसके बाद जो है अपनी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी जा सकते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट लेवल की दोनों हॉस्पिटल्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग बाहर के मुल्क में अगर जाते हैं तो डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो आप लोग वहाँ पे भी अपने लिए जॉब्स ढूंढ सकते हैं, अपने लिए करियर चूज़ कर सकते हैं और अपना क्लिनिक भी इवन दो ओपन कर सकते हैं। तो MBBS के बाद आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेहतरीन होती हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊं कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं अब्रॉड में जाके इस डिग्री को करने का, तो आप लोगों के लिए एलिजिबल होने के लिए यही चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। 3 स्टेप्स पे आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है। सबसे पहले कि आप लोगों ने अपना इंटरमीडिएट जो है वो ऑब्वियसली प्री मेडिकल में ही किया हो, विच इज़ अ नेसेसरी, और आप लोगों की 12 ईयर एजुकेशन जो है वो कम्प्लीट हो। उसके बाद ही आप लोग बैचलर्स इन मेडिसिन या बैचलर्स इन सर्जरी विच इज़ MBBS वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों का यही है कि आप लोगों ने चेक करना है कि आप लोगों की इंग्लिश जो है
वो थोड़ी प्रोफिशिएंट होनी चाहिए आप लोगों की इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ कॉमन थिंग के लैंग्वेज जो है वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश को ही प्रेफर किया जाता है। तो मेक श्योर आप लोग आइल्स का कोर्स करें और तमाम तर कोर्सेज करें और फिर उसके बाद जो है एलिजिबल हो जाएं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हर कंट्री की, हर यूनिवर्सिटी का अपना एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया होता है। तो मेक श्योर आप लोग किसी अच्छी स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी से रब्ता करें और उनसे कंसल्ट करें, अपने अपना क्राइटेरिया बताएं, अपना चीज़ें बताएं, अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन कंट्री बताएं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे और एडमिशन में हेल्प करेंगे। अब आप लोगों को बताती हूँ कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं जो कि MBBS की डिग्रीज को करवाती हैं और रैंक रखती हैं एक अच्छे लेवल का, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट है, टर्की है, चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, आयरलैंड है, फ्रांस है, मलेशिया है। तो आप लोग इन कंट्रीज़ में से देख सकते हैं और इन कंट्रीज़ में से अपनी डेस्टिनेशन वाली कंट्री को चूज़ कर सकते हैं। चाइना इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन कि अगर आप लोग चाइना से भी MBBS करते हैं तो आप लोगों के पास वर्ल्ड रैंक्ड में अच्छे आने वाले टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी उसमें शामिल हैं। तो आप लोग मेक श्योर करें कि अपनी डेस्टिनेशन कंट्री को चूज़ करें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने एडमिशन को आगे प्रोसीड करें। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि टॉप 10 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं, जहाँ आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं, उसके अलावा आप लोग अफोर्डेबिलिटी भी उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। टॉप 10 कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ग्लोबली रैंक रखती हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं वर्ल्ड की, जिसमें से नंबर 1 पे है हॉवर्ड यूनिवर्सिटी, जहां हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है एडमिशन लेना। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है, जाले यूनिवर्सिटी है, इम्पीरियल कॉलेज लंदन है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, उसके बाद जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है। ये 10 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं, रैंक रखती हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटी होने का। उसके अलावा मलेशिया, टर्की, चाइना में भी बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ के आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और अपनी MBBS की डिग्री को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, और अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं और आप लोग चाहते हैं कि स्टडी अब्रॉड करें और MBBS की डिग्री स्पेशली बाहर से करें, तो मेक श्योर आप लोग इन स्टेप्स को और जो मेरी गाइडलाइन है उसको ज़रूर फॉलो करें। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।